दोस्तों, जब हम लेथ मशीन में थ्रेड काटते हैं, है ना, जब हम लेथ मशीन में थ्रेड काटते हैं तो उसमें सिंगल स्टार्ट भी होता है, डबल स्टार्ट भी होता है। तो अब जो सिंगल स्टार्ट, मतलब जो सिंगल थ्रेड होता है, या डबल स्टार्ट, थ्री स्टार्ट, फोर स्टार्ट, है ना, तो उसमें हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लीड क्या है और पिच क्या है। तो आज इस वीडियो में हम उसी को जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिना टाइम गवाए और बिना बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही चैनल टेक्निकल अचीवमेंट में। दोस्तों, सपोज मान लीजिए आपके सामने ये थ्रेड है और ये सिंगल स्टार्ट है, मतलब सिंगल थ्रेड है, ये डबल स्टार्ट नहीं है, तो इसमें लीड और पीच किसको समझेंगे? तो देखिए, इसमें लीड नहीं होता है, ये बात का ध्यान रखिए, इसमें बस पीच होता है। ये जो दूरी है ना, इसको बस हम लोग पीच बोलते हैं, ठीक है ना। आप चाहे यहां से यहां लीजिए और चाहे यहां से यहां लीजिए, ये आपका पीच है, ठीक है। सिंगल स्टार्ट में ये कौन सा हो गया? सिंगल थ्रेड। अब नेक्स्ट चलते हैं, मान लीजिए इसी तरह का आपका थ्रेड है बट वो डबल स्टार्ट है, ठीक है। मान लीजिए स्क्वायर थ्रेड है, ठीक है ना। अब ये डबल स्टार्ट है तो इसमें पीच कौन सा है और लीड कौन सा है? तो ठीक इसी तरह से इसमें जो पीच होगा, ये यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम लोग पीच बोलेंगे, ठीक है। और लीड किसको बोलेंगे? लीड बोलेंगे, डबल स्टार्ट है तो हम लोग यहां से लेकर के यहां तक को, क्योंकि डबल स्टार्ट है, इसको हम लोग लीड बोलेंगे। थोड़ा सा समझने का कीजिए, सपोज मान लीजिए सिंगल स्टार्ट में पीच है 4 mm, तो ये आपका 4 mm हो जाएगा। यहां पर भी ये पीच ही है तो यहां पर पीच हो जाएगा 8 mm, बट इसमें लीड नहीं होगा सिंगल स्टार्ट में। डबल स्टार्ट में क्या है, पीच अगर 4 mm है तो लीड आपका हो जाएगा 8 mm। तो हम लोग लीड के हिसाब से गियर ट्रेन करेंगे, हमेशा हमेशा हम लोग लीड के हिसाब से गियर ट्रेन करेंगे, ठीक है ना। अब ठीक मान लीजिए उसी तरह से आपका जो थ्री स्टार है, तो थ्री स्टार जो है वो भी इसी तरह से भी थ्रेड अगर है, स्क्वायर हो भी हो, सब में एक ही प्रोसेस है, ठीक है ना। तो अगर इसमें थ्री स्टार है तो पहले तो ये हो गया आपका पीच, ठीक है ना। लीड कौन सा होगा? यहां से लेकर के ये आपका पीच हो गया, ये सेकेंड स्टार, ये थर्ड स्टार, तो ये आपका हो गया लीड, ठीक है ना। अगर पीच आपका 3 mm है तो लीड आपका कितना हो जाएगा? 9 mm। और जो आपका गियर ट्रेन सेट होगा वो होगा 9 mm के हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि लीड है 9 mm। जिस तरह से सेकेंड स्टार्ट में मैंने बताया कि 8 mm का गियर ट्रेन होगा, ठीक है ना, उसी तरह से 3 mm पीच में आपका 9 mm के हिसाब से सेट होगा। अब फोर्थ हो, फिफ्थ हो, जो भी हो, नॉर्मली हम लोग फोर्थ तक इस्तेमाल करते हैं। अब एक एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ, जैसे मान लो कि ये फोर्थ स्टार है, ठीक है ना, तो इसमें पीच तो ये हो गया 4 mm। अब लीड क्या होगा? तो यहाँ से यहाँ पीच, फिर दूसरा स्टार, तीसरा स्टार, ये फोर्थ स्टार, ये हो गया हम लोग का लीड, ठीक है ना। तो लीड कितना हो जाएगा? 16 mm। कितना हो जाएगा? 16 mm। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि पीच क्या होता है और लीड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यहां पर गियर किसके हिसाब से लगेगा? 16 mm के हिसाब से, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और न्यू विजिटर्स जो विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।